दक्षिण 24 परगना में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प। जेपी नड्डा के काफिले को रोकने की कोशिश, सामने आई टीएमसी कार्यकर्ता। नड्डा के काफिले पर पथराव का आरोप, पुलिस की सुरक्षा में निकाला गया काफिला। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दी जानकारी, डायमंड हार्बर जा रहे थे जेपी नड्डा। कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर भी हमला, इलाके में तनाव। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक का उठाया मुद्दा। दिलीप घोष ने कहा, सड़क पर डंडे के साथ 200 लोगों की भीड़, नड्डा के काफिले को दिखा रहे थे काले झंडे। दिलीप घोष ने चिट्ठी में लिखा, बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों पर चढ़ गए कुछ लोग, कर रहे थे नारेबाजी। पुलिस की भूमिका पर उठाए गए सवाल, लिखा, भीड़ को रोकने में नाकाम रही पुलिस। दिलीप घोष ने लिखा, कई जगह ट्रैफिक लाइट पर खड़ी करनी पड़ी जेपी नड्डा की कार, राज्य सरकार की तरफ से गंभीर लापरवाही। दिलीप घोष की चिट्ठी पर गृहमंत्री ने लिया संज्ञान, पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी दिल्ली से भेजे गए, सुरक्षा पर देंगे रिपोर्ट। दिलीप घोष के आरोप पर ममता बनर्जी का पलटवार, दिल्ली से कोई आया है जिसे बीएसएफ और सीआईएसएफ के बावजूद जिंदगी का खतरा लग रहा है। ममता बनर्जी का बयान, अगर उनमें हिम्मत है तो चुनाव में बंगालियों को उतारे, बाहर के लोगों को क्यों बुला रहे हैं। नए संसद भवन की स्मृति पट्टिका का अनावरण, जिस पर अंकित है 10 सितंबर। न्यू इंडिया के लिए नई संसद की रखी गई आधारशिला, पीएम मोदी ने किया भूमि पूजन। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई पूजा, परिसर में बना था भव्य पंडाल। भूमि पूजन के दौरान दिग्गज नेताओं की मौजूदगी, विधि विधान के साथ पीएम ने किया संकल्प। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे नजर आ जाती थी रतन टाटा समेत कई मशहूर हस्तियां शामिल। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने किया शिलान्यास, संविधान की मूल प्रति की डिजाइन में बनी थी शिला पट्टिका। भूमि पूजन के बाद सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन, सभी धर्म के आध्यात्मिक गुरु हुए शामिल। नए संसद भवन में लोकसभा सांसदों के लिए होंगी 888 सीटें, राज्यसभा में 384 सांसदों के लिए होगी जगह। आजादी के 75वें साल में संसद सत्र की शुरुआत, नई बिल्डिंग में इमारत 2022 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद। भूमि पूजन कार्यक्रम में दिखाई दी संसद पर बनी डॉक्यूमेंट्री, करीब 100 साल बाद बनने जा रही है नई इमारत। पीएम मोदी ने कहा, आज 130 करोड़ भारतीयों के लिए बेहद गौरवशाली दिन। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। पीएम ने कहा, नए संसद भवन तक आम लोगों की पहुंच, अपनी समस्या सांसदों तक पहुंचाने की सुविधा, पूरी होंगी लोगों की आकांक्षाएं। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। देश के लोग, पीएम मोदी ने कहा, नई संसद में नूतन और पुरातन का संगम। पीएम ने कहा, हमारे देश में लोकतंत्र की गौरवशाली परंपरा, भारत में लोकतंत्र संस्कार। इस सदी की दुनिया भारत को अहम लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए देख भी रही है। पीएम ने कहा, एक दिन दुनिया कहेगी कि भारत लोकतंत्र की जननी। दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अब से थोड़ी देर में नेशनल मीडिया सेंटर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज, बोले कृषि कानून के रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। किसानों ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी, बोले दिल्ली की घेराबंदी के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे पर होगा चक्का जाम। 12 दिसंबर को देशभर के टोल प्लाजा फ्री कराएंगे किसान, 14 दिसंबर को होगा धरना प्रदर्शन। किसानों ने बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं के घेराव की भी दी चेतावनी। किसान आंदोलन का 15वां दिन, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। वक्त बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है किसानों का उत्साह, सिंगू बॉर्डर पर घूम घूम कर नारे लगा रहे हैं जत्थे। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन की जगह से आई अनूठी तस्वीर, इसे ठीक रखने के लिए आंदोलनकारियों ने बनाया जिम। ठंड में सड़क पर रात बिताने की वजह से खराब हो रही है किसानों की तबीयत, सिंगू बॉर्डर पर किया गया मेडिकल कैंप का इंतजाम। जिले के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा, कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं आंदोलनकारी। किसान आंदोलन के बीच सरकार ने जारी किया 106 पन्नों का बुकलेट, किसानों और गांवों को लेकर मोदी सरकार के काम का जिक्र। किसान आंदोलन को लेकर सीएम गहलोत का मोदी सरकार पर हमला, कहा अगर किसानों से पहले संवाद किया होता तो 10 केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नहीं उतारना पड़ता। अकोला में किसान कानून के विरोध में प्रदर्शन, भैंस के सामने बीन बजाकर सरकार को घेरा। पुलिस के एक फोन ने कर दिया कमाल, साहूकार के पास गिरवी पड़ी 60 लाख रुपए की जमीन किसान को वापस मिली। दिल्ली में ठंड में रहते किसानों की मदद के लिए उतरी महिलाएं, स्वेटर टोपी और मोजे बनाने का काम शुरू।